अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर के ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो के परफ्यूम चौक से चलता हुआ आ रहा है और ये जाएगा सीधा ऊपर, कहाँ पर, कामरान चुरंगी की तरफ जा रहा है। ब्रिज तकरीबन रेडी है और इसके ऊपर जो है ना स्ट्रीट्स लाइट्स भी जो है ना लग चुकी हैं। एक तख्ती लग रही है जो कि इफ्तिताह होगा इसका आने वाले चंद दिनों के अंदर, मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में शायद इसका जो है ना, वैसे तो कहते थे कि 23 तारीख को जो है ना इसका इफ्तिताह हो जाएगा, ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन अब जो है ना ये मेरे ख्याल से तख्ती भी लग रही है। बिलावल भुट्टू साहब जो है ना मेरे ख्याल से इफ्तिताह करेंगे, उसके बाद जो है ना इस ब्रिज को खोल दिया जाएगा। हम आगे की सूरत हाल भी आपको बताते हैं और पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स जो है ना लग रही है। लाइनें भी बिछ चुकी हैं। स्ट्रीट लाइट्स जो है ना लग चुकी हैं, अजाने हो रही है, मैं अभी फिलहाल खामोश हो जाता हूँ। इफ्तिताह होगा 23 को कह रहे हैं कि 23 तारीख को जो है ना इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र हमारा गुलिस्तान जौहर के ब्रिज का, पहला सफ़र हमारा। लाइनें वाने डल चुकी हैं, रोड बन चुका है, स्ट्रीट लाइटें लग चुकी हैं। छापी छापी भरी जा रही है ताकि रंग रोगन जो है ना किया जा सके। लाइनें भी बिछ चुकी हैं, फाइनल हो चुका है। आगे चलते हैं, आगे से फिर उतरते हैं। ये हमारा पहला सफ़र है, यानी कि आम ट्रैफिक के लिए अभी बंद है ये। ये कल खुलेगा, ये लाइनें शाने वह सेंटर दी लाइन लग रही है ना। हाँ। कितनी देर लगेगी? तकरीबन लगेगा घंटा लगेगा, दो घंटा लगेगा लॉन्च। हाँ। इससे आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा आपको लगेगा इससे। अच्छा, नहीं स्टार्ट हो गया उधर? हाँ, बस इंतजार है उधर का पीछे। अच्छा,
येलो वाली लाइन लग चुकी है। ये एक निशान होता है कि आपने आपकी गाड़ी का टायर इससे इधर ना जाए, इससे इधर जाने की सूरत में जो है ना ये टायर आपका जो है ना इस पिलर के साथ जो दीवार है इसके साथ टकरा सकती है। तो आगे जो है ना सेंटर की लाइनें डल रही हैं, किस्म का काम देख सकते हैं आप के लाइनों को भी जो है ना सीधा करने के लिए उसको जो अलग से जो है ना थोड़ा बहुत बढ़ चुका है उसको भी काट रहे ताकि जो है ना क्लियर रहे और निशान जो है ना बिल्कुल सीधा रहे। दोस्तों ये था एक सफ़र और अब वापसी की तरफ चलेंगे और वापसी की तरफ आपको बताएंगे कि लाइनें डल चुकी हैं, येलो लाइनें डल चुकी हैं, वाइट लाइनें जो है ना सेंटर में है वो डल चुकी हैं, स्ट्रीट लाइटें भी लग चुकी हैं सामने आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है ना मेरे ख्याल से कल परसों जो है ना परसों 23 मार्च है तो उसमें जो है ना इफ्तिताह होना है। चलें दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। और सर्विस रोड पर भी काम शुरू हो चुका है। यहाँ भी रोड बनेगा और उस वाली जगह पे भी जो है ना काम हो रहा है, वो इधर वाली साइड पे भी काम हो रहा है और इस वाली जगह पे भी काम हो रहा है ताकि जो है ना यहाँ पे भी जो है ना ट्रैफिक वहाँ से जब आए तो यहाँ से एंटर होती हुई आगे कामरान चुरंगी की तरफ जाए। डल रही हैं दोस्तों, दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं और एक दफ़ा आपको तख्ती बता दें।
ये तख्ती है जिसका इफ्तिताह, जिसका इफ्तिताह करना है, जिसके जिसके ऊपर नाम लिखा जाएगा तख्ती। चलें दोस्तों, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। सफाई सुथराई का काम भी जारी है।